वेट भाई यही कर लेते हैं ना। ओके चल लगाइए, रुकिए थोड़ा सा लंबा शॉट। हमारे बच्चे हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं कि जायज मांग को लेकर के तुम आंदोलन पर उतरे हो। जब यह सरकार असफल हो गई, चेतावनी असेंबली में डेली शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम लोग क्वेश्चन करते रहे, भाषण देते रहे, शून्यकाल में लाते रहे, लेकिन शिक्षण संस्थानों के प्रति जो राजकीय व्यवस्था है, राजकीय स्तर पर जो शिक्षण संस्थान प्राइमरी से लेकर के अब जैसे पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय, अब डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी को तो चाहिए, इसके लिए आंदोलन करना चाहिए कि भाई हम पटना यूनिवर्सिटी जो पुरनका सात को यूनिवर्सिटी है उसमें है। मुख्यमंत्री ने मांग तो की थी, इस रूप में मांग करनी चाहिए थी कि अगर तुम मांग नहीं करोगे तो हम भी, जैसे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम कुर्सी पर रहे या नहीं रहे मंडल आयोग की अनुशंसा को हम लागू करेंगे, उस ढंग से थ्रेटनिंग भाषा में मांग करते। मांग हमेशा, मांग का दबाव होता है, और जब आप मांग का दबाव के साथ इन्होंने मांग नहीं किया, इसलिए ऐसी कई छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया गया सर है। हम लोग मिलने आए हैं और हम लोगों ने कहा कि जायज मांग के लिए आंदोलन है, यह आंदोलन कोई दूसरे तरह का आंदोलन नहीं है, शैक्षणिक संस्थान को उसकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए आंदोलन है, इसलिए मतलब कि आप अपनी प्रक्रिया पूरा करके इसको जल्दी से छोड़िए।